हिमाचल देव भूमि के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं विश्व भर में विख्यात है। और आज हम आपको एक ऐसे स्थान पे ले जाएंगे, एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएंगे जिसके प्रति लोगों में अथाह आस्था है। जी हाँ, इस स्थान का नाम है देवथल, जो कुनिहार से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर सोलन की ओर स्थित गंबरपुल के पास है। ये जगह बिजेश्वर महाराज के मंदिर के रूप में विख्यात है और यहाँ भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आशीर्वाद प्राप्त करने पूर्ण वर्ष आते रहते हैं। बिजेश्वर महादेव जी का मंदिर नदी के किनारे स्थित है और यह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ का दृश्य एकाएक मन को आकर्षित करता है। मंदिर का भव्य रूप आप देख सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए नदी को पार करने के लिए झूला पुल का निर्माण किया गया है। पूर्ण वर्ष यहां पर्यटकों का तांता लगा रहता है, क्योंकि आज रविवार है और शाम का वक्त है, इसलिए अधिक लोग यहां पे नहीं हैं, परंतु फिर भी आप देख पा रहे हैं कि कितने श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं। क्योंकि यह दिसंबर का महीना है, इसलिए नदी में पानी कम है। यदि आप यहाँ अगस्त या सितंबर माह में आएं, तो नदी में जल भरा रहता है। शाम हो चली है, परंतु फिर भी लोग यहाँ काफी हैं। मंदिर का भव्य रूप जो आप देख रहे हैं, यह नव निर्मित है। गत कुछ वर्षों के दौरान मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, वरना यहां पुराना मंदिर हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक सराय है जिसमें श्रद्धालुओं के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोग ऐसा मानते हैं कि 12वीं शताब्दी के दौरान एक स्थानीय राजा, जो कि अत्यंत क्रूर था, उसका आतंक अत्यंत बढ़ गया था। स्थानीय लोगों ने बिजेश्वर महादेव जी की आराधना की और उनसे याचना की कि वो उन्हें उस क्रूर राजा के आतंक से मुक्ति दिलवाए। तत्पश्चात बिजेश्वर महादेव जी समीप के एक जलाशय में प्रकट हुए और एक अत्यंत भयानक युद्ध के बाद उस राजा को परास्त कर दिया। उन्होंने बिजली का एक गोला बनाया और उस गोले को उस स्थान पे दे मारा जहाँ पे युद्ध चल रहा था। उस कारण सभी राक्षस भूत प्रेत नष्ट हो गए और वह राजा भी वहाँ से पलायन कर गया, भाग गया। तत्पश्चात इस स्थान के लोग बिजेश्वर महादेव जी को एक भगवान के रूप में मानने लगे। उनके मंदिर का यहाँ निर्माण करवाया गया और बिजेश्वर महादेव जी तत्पश्चात लोगों के घर घर में पूजे जाने लगे। बिजली के गोले से उस राजा को परास्त करने के कारण ही उन्हें बिजेश्वर महादेव या बिजेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का नवनिर्मित भव्य रूप, लोगों के मन में जो इस मंदिर के प्रति आस्था है, इस स्थान के प्रति आस्था है, उसे दर्शाता है। प्रत्येक रविवार को यहाँ भक्त जनों द्वारा भंडारे का आयोजन करवाया जाता है। मंदिर के आसपास का माहौल अत्यंत शांतिपूर्ण है और यहाँ पे आना सचमुच एक सुखद अनुभव है। जिन लोगों के इष्ट देव बिजेश्वर जी महाराज हैं, उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र के जन्मोत्सव पर या विवाह के समय करियाला का आयोजन करना पड़ता है। स्थानीय लोगों की यह अटूट आस्था है कि यदि आपकी कोई मन्नत है और आप बिजेश्वर जी महाराज के मंदिर में श्रद्धापूर्वक आकर नमन करते हैं, तो आपकी वह मन्नत अवश्य पूर्ण होती है। इसीलिए यहाँ पूरा वर्ष असंख्य लोग आते हैं, खासकर रविवार के समय तो यहाँ अत्यंत भीड़ रहती है। खासकर शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लोगों में बिजेश्वर महादेव जी के प्रति अत्यंत आस्था है और इन जिलों में इनके अनेक मंदिर भी बने हैं।
बृजेश्वर महादेव जी के कानों में कुंडल, गले में माला और सर्प ठीक वैसे ही है जैसे भगवान शिव के गले में हैं। इनके सर पर छत्र है और यह सफ़ेद घोड़े पर विराजमान होते हैं। शहर के कोलाहल से दूर इस एकांत और सुंदर स्थान पर आना सचमुच अपने आप में एक सुखद अनुभव है। यहाँ प्रकृति अपने चरम रूप में देखी जा सकती है। मंदिर के बाहर जरूरत का सामान व प्रसाद आसानी से उपलब्ध होता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और भगवान बिजेश्वर जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वह आप सबके जीवन में सुख शांति बनाए रखें। धन्यवाद।